चौथे काल के संबंध श्रावक कैसे थे। तो मुझे सबसे पहले चौथे काल मिला कि चौथे काल के श्रावक पर्व के दिनों में आराम परिग्रह नहीं करते थे, पर्व के दिनों में व्यापार नहीं करते थे, पर्व के दिनों में कोई व्यक्ति घर में चूल्हा नहीं जलता था, पर्व के दिनों में श्रावक घर में नहीं रुकते थे, नसिया होती थी नसिया, ये नसिया वही है, ये नसियाएं जो है प्रोस्तोपवास करने के स्थान थे कि लोग अष्टमी चौदस को घर छोड़ करके नसिया में चले जाते थे और नसिया में बरांडे टाइप के होते थे, उन बरांडों में 24 घंटे रहते थे, धर्म ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, रात्रि में अपने भजन कीर्तन करते थे। तो ये नसिया प्रोस्तोपवास के स्थान माने जाते थे और घर छोड़ देते थे। सुदर्शन वगैरह का ऐसा उल्लेख मिलता है, भरत चक्रवर्ती आदि का उल्लेख मिलता है। तो मैंने सोचा कि एक प्रयास किया जाए कि जब ये चौथे काल के साधु ढूंढ रहे हैं तो साधु जिस कंपनी में से आता है वो कंपनी को चौथे काल का बना दिया जाए, और साधु श्रावक पर्याय से आते हैं तो चौथे काल में पर्व के दिनों में श्रावक कैसे रहता था ये सिखाने के लिए बताने के लिए मैंने श्रावक संस्कार शिविर लगाने शुरू किया। और इसमें सफलता इतनी मिली 114 लोगों से शुरू था, आज 2,500 तक पहुंच गया है। और वो ही चरिया है, कोई इस प्रकार का कोई वहां पर खान पीने घर त्याग करके संकल्प करके कुछ भी नहीं अपना बनाए भोजन नहीं करेंगे। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है जब तुम्हारी तमन्ना है कि मेरे गुरु चौथे काल के हों तो तुम्हारे गुरु की तमन्ना है कि मेरे भक्त भी चौथे काल के हों। इसलिए जो मेरे भक्त हैं जिनको चौथे काल का श्रावक बनना हो वो पर्व के दिनों में सब व्यापार धंधा छोड़ करके और श्रावक संस्कार शिविर में आ जाए और यहाँ आए, क्योंकि घरों में आजकल वातावरण नहीं है ऐसा, घरों में ऐसा वातावरण नहीं कि रह सको। इसलिए ये चतुर्थकालीन श्रावक बनाने का स्कूल है, कॉलेज है, 10 दिन का ट्यूशन लगाता हूं। अब 10 दिन के अंदर चौथे काल का, तो आपको संक्षेप में यही कह दिया चतुर्थकालीन श्रावक कैसे होते थे ये यदि आपको देखना है तो 10 लाख क्षण के यहां के श्रावक संस्कार स्वर को देखो।